हाय गाइस, सो आज की वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है अराउंड अमीर होना वर्सेस अमीर दिखना। ओके सो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि यार व्हाट डज इट मीन टू बी रिच, यानी कि अमीर होने का एक्चुअली मतलब क्या है। राइट, आप सभी कुछ यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे जिसमें कोई इन्फ्लुएंसर एक एक्सपेंसिव कार आपको दिखा रहे हैं, या फिर अपना एक एक्सपेंसिव सा घर दिखा रहे हैं, और सूटेड बूटेड है वो, फरारी है, मैंशन है। मैंने बहुत सारे इस तरह के वीडियोस देखे हैं। जस्ट आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, काफी सारी ये सब चीजें लोगों के पास रेंटेड होती हैं जो उनकी खुद की नहीं होती हैं। मुंबई में आपको इस टाइप के सेट मिल जाएंगे जहाँ पे आप अगर पॉपुलर यूट्यूबर हो तो आप इन सब चीजों की शूटिंग कर सकते हैं, एंड मतलब इन सब का एक्सेस आपको मिलता है। सो इस ट्रैप के लिए फॉल मत करें जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि यार देखो फटाक से कुछ किया, शॉर्टकट में पैसा बन गया। पैसा बनाने में बहुत मेहनत लगती है। राइट नाउ, अभी जो मैंने टॉपिक जिससे चालू किया कि यार अमीर होने का मतलब क्या होता है, यार आप अगर आप ध्यान से समझो, एट द एंड ऑफ द डे पैसे की उतनी ही वैल्यू है जितना कि आप उस पैसे से एक एक कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए। फॉर इंस्टेंस, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि यार अगर आपके पास एक बड़ा सा घर हो, एक अच्छी फैमिली हो, एक हैप्पी फैमिली हो, एक गाड़ी हो, नौकर वगैरह हो जो आपको चाहिए, जो आपका काम करने में मदद कर दें, आप ट्रैवल कर पाओ अपनी मर्जी के हिसाब से, तो आप अमीर हो। उसमें उस समय ये मैटर नहीं करता है कि आपके बैंक में कितना पैसा है, बट जो आपको चाहिए लाइफ में वो आपने अचीव कर लिया है, इसीलिए आप अमीर हो। अमीरी की डेफिनेशन दूसरे तरीके से भी होती है जो कि इन टर्म्स ऑफ टाइम या फ्रीडम बोली जाती है, कि यार आपको कुछ ऐसा काम ना करना पड़े जो कि आपको पसंद नहीं है, जिसमें आप लगे हुए हैं, जो कि आपको मतलब बोरिंग लग रहा है। राइट, बहुत सारे दोस्तों का आपने सुना होगा कि सुबह उठ के मंडे ऑफिस जाना पड़ रहा है, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। सो ऐसे में फर्क नहीं पड़ता उनके बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, एट द एंड ऑफ द डे जो जिंदगी वो जीना चाहते हैं वो जी नहीं पा रहे हैं। और उसके बदले अगर कोई इंसान है जिसके बैंक में पैसे शायद कम पड़े हों लेकिन वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, वो एक फ्री बर्ड की तरह है, जो चाहते हैं लाइफ में वो कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ज्यादा अमीर है उस इंसान से। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज आपको समझना कि मनी इज नॉट दी एंड, यानी कि पैसा अंत नहीं होता है, मनी इज द मीन्स टू एन एंड, यानी पैसा किसी अंत तक पहुंचने का एक जरिया होता है। हम सभी पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि हम जिंदगी में एक अच्छी अच्छी लाइफ जी पाए और खुश रहें, अपने नियर एंड डियर वंस यानी कि अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिलीज मेंबर्स सबको हम खुश रख पाए, ये ऑब्जेक्टिव होता है। और अगर आप ये अचीव कर पा रहे हो तो आप एक तरीके से अमीर हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसकी हम बात करना चाहेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम। सो मैं इसका एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि लेट्स से आप, जैसे मैं कानपुर से हूं, कानपुर एक नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश में एक टाउन है लखनऊ के पास। सो कानपुर में अगर आपके पास, अगर आप 50-60 हज़ार रुपये महीने की अर्निंग कर रहे हैं तो आप एक अच्छी जिंदगी काट सकते हैं। सो अब आप सोचो कि यार अगर आपको कानपुर में एक वेल्दी लाइफ जीनी है तो आपको 50-60-70 हज़ार रुपये महीना आप कमा रहे हो, बहुत है। तो अब आप ऐसा सोचो कि यार क्या करें जिससे ये पैसा बिना काम करे बन जाए। सो लेट्स से किसी के पास अगर 1 करोड़ रुपए पड़े हैं बैंक में, जो कि कॉर्पस आपने अपनी लाइफ टाइम के अक्रॉस सेव किया है, अभी इस 1 करोड़ रुपए को अगर आप 7.2% पे इन्वेस्ट करेंगे, राइट, तमाम फिक्स डिपॉजिट्स आती हैं, मैं किसी को एंडोर्स नहीं करता हूं, ना मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूं, ना मैं कोई, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट श्रीराम फाइनेंस की फिक्स डिपॉजिट है जो कि 8% पर ईयर का इंटरेस्ट देती है, 8 के ऊपर ही देती है, मेरे फादर सीनियर सिटीजन है तो 8.5 8.6 तक भी जाता है। सो 1 करोड़ पे अगर आपको साल का 8% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 8 लाख रुपए साल का, जो महीने का लगभग 65,000 रुपीज हो गया, राइट, टू बी प्रिसाइज 66,666 रुपीज हो गया। सो इतना पैसा अगर आपको 1 करोड़ रुपए को एफडी करके ब्याज से आ रहा है, एंड अगर आपके एक्सपेंसेस इससे कम है तो टेक्निकली अब आपको लाइफ में पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर कानपुर जैसी जगह में लेट्स से आपका खुद का घर नहीं भी है, आप 10 हज़ार रुपये महीना में अच्छे से ठीक ठाक एक 2 BHK फ्लैट आपको रेंट पे मिल जाएगा, 5 हज़ार रुपये महीने के आप मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल और छोटे मोटे और भी बिल्स हो गए, और मैं बोलूंगा 5-10 हज़ार रुपये महीने का आपका ग्रॉसरी खाना पीना, अगर आप मैरिड हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, तो और 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये महीने की बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, मतलब अगर आप ये सब एडअप करोगे 50 हज़ार रुपये महीने में आपकी आराम से जिंदगी कट जाएगी। कानपुर में इंडिविजुअल इंसान हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपकी लाइफ कट जाएगी अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट्स नहीं है तो। सो यानी कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिया है, आपका उसका जो ब्याज आएगा उससे आपकी लाइफ कट सकती है, आपको कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं है। सो ये एक्चुअल कंसेप्ट होता है रिच होने का, बिकॉज जिस इंसान ने कानपुर में 1 करोड़ रुपए अपने बैंक में डिपॉजिट कर लिए हैं, कमा लिए हैं, वो मतलब वो चाहे तो अपनी जॉब छोड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें कमाने की जरूरत नहीं है।
सो ये एक एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा था. सो सेम चीजें अलग अलग सिटीज में अलग अलग होता है. मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में लिविंग एक्सपेंसेस कहीं ज्यादा है, मुंबई में रियल एस्टेट महंगा है, रेंटल महंगा है, राइट, इन जनरल सब कुछ महंगा है. तो मुंबई में हो सकता है ये अमाउंट 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, व्हाटएवर. अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, अगर आप उसको साल के 8% पर इन्वेस्ट करते हैं तो 80 लाख रुपीज पर ईयर का इंटरेस्ट आएगा. उसमें आप टैक्स भी काट लोगे तब भी आपको अच्छा खासा पैसा महीने का बचेगा. तो अब सवाल ये आता है कि यार रिच होना क्या बन जाता है. मतलब अगर आप देखो, रिच होना, अमीर होना एक गेम बन जाता है कि यार मैं एक सर्टेन अमाउंट का कॉर्पस डिपॉजिट कर लूं, उस कॉर्पस से जो मेरे इंटरेस्ट आ रहा है उससे मेरी लाइफ कट जाएगी, राइट. सो दैट्स इस वीडियो में हम इस चीज को मान के चलेंगे कि ये हमारी डेफिनेशन है रिच होने की, कि यार आपको, आप फ्री हो लाइफ में वो करने के लिए जो आप करना चाहो. सो अब बात करते हैं उस चीज की जो कि हमें दिखती है लाइफ में, कि यार हम सोचते हैं, टीवीज में देखते हैं, टीवी शोज में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं कि यार अमीर आदमी एकदम हाई फाई है, सूटेड बूटेड है, प्राइवेट जेट एंड एक्सपेंसिव कार एंड ऑल. मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं हिरन नानी गार्डन्स पवई में रहता हूँ, जो कि एकदम अमीरों का गढ़ है. यहाँ पे सारे रिच लोग रहते हैं. मेरी सोसाइटी के चेयरमैन अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के एमडी हैं. पास में सामने अडोनिया सोसाइटी, वहां सारे ऑन्टरप्रेनर है. सब 400-500 करोड़ की पार्टी है मिनिमम. सब 400-500 करोड़ के इंसान है. जिन जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूँ, जिनसे मैंने खरीदा ये घर, उनके 4 पेट्रोल पंप है, राइट. तो जहाँ जहाँ मैं पहले रेंट पे रहता था, जो ओनर है उस फ्लैट के, वो यूएस में कंपनी है, लिंट लिंट चॉकलेट्स. आई एम श्योर कुछ लोगों ने नाम सुना होगा. उसके वीपी ऑफ आईटी हैं. तो सभी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं. सब 100-200-300 करोड़ के लोग यहाँ पे रहते हैं बहुत सारे. तो मैंने उल्टा देखा है यहाँ पे, जैसे कि आपको दिखाया गया मूवीज में कि यार इंसान सूटेड बूटेड हाई फाई रहता है. नहीं, ऐसा नहीं है. यहाँ पे जितने अमीर लोग हैं सब सिंपल सी लाइफ जीते हैं. आप उनको पजामे, शॉर्ट्स, नॉर्मल टी शर्ट में आपको दिखते हुए चले जाए, मिल जाएंगे आपको. आप सड़क पे वॉक करोगे, आपके साथ कोई आदमी वॉक कर रहा होगा, वो पता चला 1000 करोड़ की पार्टी हो. यानी यहाँ पे बहुत कॉमन है ये चीज, राइट. सो जो जो दिखाया जाता है हमें कि यार अमीर आदमी ऐसे एकदम बॉडी गार्ड है और उसके पीछे कॉन्वॉय चल रहा है, मूवीज में और इन सब चीजों में ठीक है, या तो आप मुकेश अंबानी जैसे रिच हो तो बात ठीक है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है. रियलिटी में एक आम इंसान जो सोचता है उससे बहुत ही अलग तरीके से अमीर लोग रहते हैं. इनफैक्ट जो लोग अमीर होते हैं उनको लाइमलाइट नहीं चाहिए होती है, उन्हें अननेसेसरी अटेंशन नहीं चाहिए होती है कि यार मेरे साथ बॉडीगार्ड चल रहे हैं तो मुझे अटेंशन मिलेगी ऑब्वियसली, कि यार पता नहीं इस बंदे की क्या क्या बड़ी बात है, क्या खास बात है जो बॉडीगार्ड लेके चल रहा है. तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है. हर एक इंसान मिनिमम 50 करोड़ की पार्टी है इस एरिया में, उसके बाद भी लोग एकदम सिंपल सी लाइफ जीते हैं. थर्ड आता है, अगर आप प्रिटेंड करते हो रिच होने का तो उसके क्या रिस्क हैं, राइट. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि आईफोन लेते हैं ईएमआई पे, या उन्होंने कोई एक्सपेंसिव सी गाड़ी खरीद ली है लोन लेके, या कुछ और भी चीजें, लैपटॉप और वो सब शो ऑफ करने के लिए परचेज कर रखा है लोन पे. उनकी सैलरी हार्डली कुछ है, 15-20-25 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं. आई थिंक ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है, क्योंकि आप अननेसेसरली शो ऑफ करने के चक्कर में एक एक्सपेंसिव सी चीज खरीद लेते हो. शुरू में आपको उस चीज का एक्साइटमेंट रहता है, 1-2 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर तक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि यार मैंने एक महंगा सा आईफोन खरीदा, मैंने एक महंगी सी चीज खरीदी है. बट जैसे ही वो आपका जो होता है ना, वो एक्साइटमेंट फेड आउट करता है, तब आपको लगता है कि यार बताओ मैंने ईएमआई पे फालतू चीज पाल ली है. एंड एक्साइटमेंट हफ्ता भर रहता है, लेकिन ईएमआई आपका चलता रहेगा सालों तक, महीनों तक. सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बिकॉज और उसमें इशू क्या होता है, अगर आप फिर अगर आप ये चीज चालू करते हो कि यार आप शो ऑफ करने के लिए कुछ ईएमआई पे कोई चीज खरीद रहे हो, एक्सपेंसिव चीज जो आपके आपकी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप फिर आपके आसपास लोग भी, आपका सर्कल भी वैसा बन जाएगा. एंड फिर एक नेगेटिव स्पाइरल चालू हो जाएगा. फिर आप अपने दोस्त को देखोगे, उसने कुछ सेम चीज खरीदी है, फिर आप भी ट्राई करोगे उस चीज को खरीदने का फिर से. तो आपकी जो डेट है, जो कि लोन है, वो एडअप करता चला जाएगा, जो ईएमआई है वो पाइल अप करते चले जाएंगे. अभी आपकी अर्निंग इतनी तेज से नहीं बढ़ रही है, अगर अगर आपकी सैलरी साल की मतलब 5-6% से बढ़ रही है, लेकिन आपका ईएमआई महीने के 5% से बढ़ रहा है, तो फिर आप समझ रहे हो आप एक डेट स्पाइरल में जा रहे हो, और आप दिखावे के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे. सो बहुत जरूरी है इस चीज को समझें कि सिंपल सादगी से भरी लाइफ जिए. जो चीज आपको पसंद है उस चीज को परचेज करें, जो चीज आपको जरूरत है उस चीज को डेफिनेटली परचेज करें, बट दूसरों को दिखाने के लिए कोई चीज परचेज ना करें, वरना आप डेफिनेटली एक डेट स्पाइरल में चले जाएंगे. फोर्थ पार्ट है कि यार एक्चुअली रिच होने के फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं. बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है ये. बिकॉज आप सोचो कि यार दो इंसान है, एक जिसके पास आईफोन है, मैकबुक है, एक्सपेंसिव सा, उसने पता नहीं और भी कुछ कुछ खरीद रखा है, बट बैंक में कुछ पैसे नहीं है, वर्सेस वो इंसान जिसके जो सादगी की जिंदगी जी रहे हैं, मे बी उनके पास सिंपल सा फोन हो, मे बी सिंपल से कपड़े हो, लेकिन करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हैं. इसमें डिफरेंस क्या है यार, ये इंसान जिसके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, ये ब्याज से अपनी जिंदगी काट सकता है, इंटरेस्ट जो कि ब्याज, उससे जिंदगी कट जाएगी. इनको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है,
अपने खुद के टर्म्स में जी सकते हैं, जब चाहे उठें, जब चाहे सोएं, जब चाहे खाना जहां खाएं, बिकॉज जो एक्सपेंसेस हैं उसके बजट के अंदर अगर ये जितना खर्चा कर रहे हैं उनको उसको फुलफिल करने के लिए कमाने की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो इंसान डेट में चला गया है वो बैंक के लिए इफेक्टिवली अब बैंक का स्लेव बन गया है, बिकॉज आप बैंक के लिए पैसा कमा रहे हो, आप जो भी कमा रहे हो उससे बैंक इंटरेस्ट कमा रहा है, आपकी जिंदगी तो खराब हो चुकी है। जो जो दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है दिखने में भी और एक्चुअल रियलिटी में भी। रियलिटी में तो लग रहा है कि यार ये इंसान बहुत ही क्या नाम है, दिखने में लग रहा है कि ये इंसान बहुत रिच है, इसके पास आईफोन वगैरह है, बट एक्चुअल में जो इंसान फाइनेंशियली फ्री है रिच वो है। उसके अलावा मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो एक्सपेंसिव बैग्स एक्सपेंसिव ये सब चीजें खरीदते हैं। इनफैक्ट मैंने एक इंटरेस्टिंग लाइन पढ़ी थी एक जगह कि लुई विटों के किसी एग्जीक्यूटिव को पूछा गया कि यार आपका कस्टमर परसोना क्या है, यहाँ तो बहुत ही सारे अमीर लोग आते होंगे। लुई विटों जो कि वुमेन हैंडबैग की कंपनी, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, शायद मेल्स के भी हैंडबैग मैन्युफैक्चर करते हो, बट मुझे वुमेन पर्सपेक्टिव से ही उसका उसका नाम सुना हुआ है, फैशन कंपनी है। सो उनसे पूछा गया कि यार आपके तो कस्टमर परसोना सब अमीर लोग होंगे, उन्होंने बोला नहीं, हमारे कस्टमर परसोना एक्चुअली मिडिल क्लास लोग हैं जो कि अमीर दिखना चाहते हैं। ये बहुत ही मतलब बहुत ही मेरे लिए एक लर्निंग थी, एक शॉकिंग चीज थी, बिकॉज लगता है कि यार अमीर आदमी लुई विटों से शॉपिंग करता होगा जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बट सच्चाई कुछ और है। मतलब मैं तो यहाँ पे हीरानंदानी गार्डन्स में तमाम लोगों से मिलता हूँ यार, मैंने हजार हजार करोड़ की पार्टियों से मैं बहुत लोगों से मिला हूँ। अडोनिया करके सामने सोसाइटी है, मैंने उधर फ्लैट परचेज किया हुआ है, रेंट पे डाला हुआ है मैंने वो। उसमें बहुत सारे लोग हैं, मतलब वन लेडीज देयर, उनका उनका बहुत बड़ा रेडिएटर वगैरह का बिजनेस है उनके और उनके हस्बैंड का, वो कम से कम 500 करोड़ की पार्टी है। एक जना लिकर का बिजनेस है, वो मुंबई आई थिंक नहीं ठाणे और रायगढ़ ये दो डिस्ट्रिक्ट में लेकर के रीसेलर है, उनका साल का 400 करोड़ का टर्नओवर है। बट आप उनसे मिलोगे ना, एकदम नॉर्मल सी टी शर्ट पहनी होगी, नॉर्मल से शॉर्ट्स और चप्पल में घूम रहे होंगे और चिल मार रहे होंगे। कोई शो ऑफ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई हाथ में एक्सपेंसिव वॉच या कोई गुची अरमानी कुछ नहीं। आई थिंक हो सकता है डेकाथलॉन से टी शर्ट खरीदी हो 300 रुपए की और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बिकॉज उनको दिखाने की जरूरत नहीं है यार, उन्होंने इतना पैसा लाइफ में बना लिया है। पडोनिया में घर लेके बैठे हो, मतलब आप ऑलरेडी आपने एक साइजेबल अमाउंट ऑफ पैसा कमा रखा है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं जब तक मैं 20,000 रुपए की टी शर्ट नहीं पहनूंगा मैं अमीर हूं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। वैसा कुछ भी नहीं है। सो ये मतलब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिच होने का जिसमें आप दिखावा नहीं कर रहे हो। सो नाउ अगर मैं बात करूं कि यार एक्चुअली अमीर कैसे बने, देखिए इसमें दो तरीके होते हैं। पहला और जो इम्पोर्टेंट तरीका है वो तो है यार, आप अपनी अर्निंग बढ़ाने की कोशिश करो। आप कोशिश करो कि यार और मेहनत कैसे करें, जिसकी अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आप मेहनत करके प्रमोशन लाइए, अप्रेजल लेके आइए। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप सोचिए कि यार मैं और अपने प्रोडक्ट्स के यूनिट्स कैसे बेचूं। मतलब सबसे बड़ा लेवरेज आपका होता है आपकी अर्निंग में, तो कोशिश करिए अर्निंग कैसे बढ़ाई जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है बिजनेस ग्रो करने का, अपनी वेल्थ ग्रो करने का। एंड दूसरा ऑब्वियसली एक्सपेंसेस कंटेन करिए। अब उसमें थोड़ी फाइन लाइन बनानी पड़ती है, बैलेंस बनाना पड़ता है, बिकॉज एक्सपेंसेस अगर आप बहुत ज्यादा कट डाउन करोगे तो आपके टाइम वेस्ट होगा। मतलब जैसे आज इमेजिन करिए कि मैं सोचूं कि यार मैं सस्ता वाला लैपटॉप ले लूं, मैं एक मैकबुक प्रो यूज करता हूँ बट मैं सस्ता वाला लैपटॉप ले लूं। अब यार मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे लिए लैपटॉप एक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि एक अच्छे लैपटॉप से मेरा टाइम बच रहा है, मेरी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, मैं उसको डे टू डे बेसिस पे यूज कर रहा हूँ, तो मैं अपना अपना काम स्मूथली कर पा रहा हूँ। सस्ते लैपटॉप में प्रॉब्ली 10-20-50 हज़ार रुपये बच जाएगा मेरा, लेकिन उसमें मेरा टाइम खराब होगा, कभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग कर गया, कभी कुछ और इश्यूज आ रहे हैं, कभी बैटरी प्रॉब्लम्स हैं, कभी चार्जिंग प्रॉब्लम्स हैं। वहां पे मेरे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो आपको फिगर आउट करना होगा कि कौन से एक्सपेंसेस आपके लिए एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स हैं और कौन से एक्सपेंसेस फालतू हैं, राइट। जैसे अगर आप कुछ शो ऑफ करने के लिए कुछ खरीद रहे हो कि जस्ट दिखावा करने के लिए दूसरों के लिए, तो प्रोबेबली वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। आप 1 लाख या 1.25 लाख रुपए का लुई विटों का बैग खरीद रहे हो, उससे अच्छा आप कोई 10,000 रुपए का एक सिंपल सा बैग खरीद लीजिए, या 5,000-3,000 रुपए में भी अच्छे अच्छे बैग मिल जाते हैं जिससे आप दिखावा नहीं कर रहे हो, आपका काम हो जाएगा। तो बट ऑन द अदर हैंड अगर आप फैशन के बिजनेस में ही हो, आप एक सेलिब्रिटी हो, तो फिर प्रोबेबली 1.25 लाख का बैग वर्थ है आपके लिए, एक इन्वेस्टमेंट है वो चीज, राइट। आज आज मेरी वाइफ हर्षिता, राइट, हम लोग चाहें तो हम अच्छे से अच्छे बैग्स, अच्छे से अच्छे लग्जरी आइटम्स परचेज कर सकते हैं, राइट। ये लुई विटों का बैग उसकी खरीदने की काफी इच्छा थी, बट एज एन एंटरप्रेनर हमें लगता है कि यार हम 90% ग्रॉस मार्जिन वाली चीज जिसमें सामने वाला 90% मार्जिन कमा रहा है, हम खरीद कैसे सकते हैं। मतलब हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है अगर हम उस टाइप की चीज खरीद रहे हैं दिखावा करने के लिए। मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है यार, मतलब मेरी मेरी एक अच्छी कंपनी है, सबको पता है कि यार एक ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है, 150 लोग कंपनी में काम करते हैं, उसके बाद मैं एक बैग से और एडिशनली किसी को क्या कन्विंस करूंगा। ओवरऑल जो समरी है मैं ये बताना चाहूंगा कि आप कोशिश करिए अपनी अर्निंग्स पे फोकस करिए, पैसा बचाइए, कॉर्पस बिल्ड करिए,
जो उस कॉर्पस को इन्वेस्ट करिए, उससे जो रिटर्न्स आएंगे उससे आपके एक्सपेंसेस कवर अप हो जाएंगे। एंड ये बेस्ट तरीका है जिंदगी जीने का, जिसमें आपके ऊपर कोई डेट नहीं आएगी, कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं आएगी और आप एक अच्छी स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आप समझ पाए हैं कि रिच जो दिखते हैं और रिच जो एक्चुअली होते हैं उसमें क्या फर्क है। जरूर इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में और भी कुछ वीडियो के पॉइंट्स हैं जो आप देखना चाहेंगे तो जरूर शेयर करें। थैंक यू।